ये जो छोटी सी महफिल है इसमें मैं पहले भी आया, लेकिन असल बात यह है कि मोहब्बत करने वाले, ज़बान, शेर व अदब, अपनी सकाफत, उससे जुड़े हुए लोग जहाँ भी कोई महफिल करते हैं उसमें बड़ी बरकतें और बड़ी मोहब्बतें शामिल हो जाती हैं। सो एडमिंटन के इस महफिल में, एडमिंटन की जिसमें किश्वर भी हैं और मेरे बराबर तो डॉक्टर कुरैशी साहब भी बैठे हैं, तो यहाँ आने की ये भी था कि इनसे मुलाकातें हो जाएंगी और दोस्तों से मुलाकातें भी हो जाएंगी और आपसे एक जो रब्ता है शेर के हवाले से उस पर भी थोड़ी सी बात हो जाएगी। तो अब क्योंकि यहाँ अशआर ही पढ़े जा रहे हैं तो मैं बगैर किसी मजीद गुफ्तगू के शेर पढ़ता हूँ। पहले एक नज़्म आपको सुनाऊँ, ये सफ़र से मुताल्लिक़ है और इसका उनवान है बे मुसाफत सफ़र। मैं चला तो हूँ पहले का, मैं चला तो हूँ पहले का, लेकिन मुझे इन मसाइल ज़दा रास्तों की हुमकती हुई भीड़ में रास्ता ही नहीं मिला। मैं चला तो हूँ पहले का, लेकिन मुझे इन मसाइल ज़दा रास्तों की हुमकती हुई भीड़ में रास्ता ही नहीं मिल रहा। वो जो हमरा मेरे चले थे वो सब कुछ यहाँ कुछ वहाँ भीड़ में हो गए, वो जो हमरा मेरे चले थे वो सब कुछ यहाँ कुछ वहाँ भीड़ में खो गए। अब जो कांधे से कांधा मिलाकर मेरे साथ चलता है वो अजनबी है कोई और। कांधे से कांधा मिलाकर मेरे साथ चलता है वो अजनबी है कोई और है, और मैं भी कोई और हूँ, और मैं भी कोई और हूँ। मैंने हमरा चलते हुए अजनबी से कहा, ऐसी रफ्तार से चलने वालों को मंजिल मिली है। मैंने हमरा चलते हुए अजनबी से कहा, ऐसी रफ्तार से चलने वालों को मंजिल मिली है भला, मंजिल मिली है भला, उसने मेरे बराबर से आगे निकलते हुए सिर्फ इतना कहा, उसने मेरे बराबर से आगे निकलते हुए सिर्फ इतना कहा, कुछ सफर मंजिलों की तलब से अलग चलते रहने के हैं, बेइरादा सही कोई ज्यादा सही, तुम भी चलते रहो।